Now, first of all, I would like to call Honorable Verma ji, who will deliver your thoughts. Good morning, everyone. And thank you, organizer, and thank you, RGPV, for such a wonderful meeting. So, my colleagues and distinguished guests on the dais and engineers, senior professionals and budding engineers. In fact, this invitation was for my minister, and he was to attend. He is already attending a meeting in away from the town, preoccupied with some official engagement, and therefore he directed me to fill up the gap and attend this symposium. And he sent me this paper this morning, and I could not, you know, looking at the subject, I could not resist myself saying, yes sir, I will do that. So I got this invitation this morning itself at about 9 o'clock. It's very, very relevant. It is something which has come out from my heart, because I am, as a engineering chief for public works department, there is a dedicated unit, PIU. This is dedicated for building constructions. So now I am looking after a huge building construction activities. And in last 3 years, I have noticed that our land is very, very scarce, be it a village, be it a town, or be it a big cities like Bhopal or Indore, Gwalior, Jabalpur. And it is not just the government which is doing lot of building construction activities for its own purposes, school, hospitals, houses, and many other things like government buildings. But at the same time, much more voluminous construction is taking place in the private sector. So at this juncture, this topic of preventing farmland and saving the farmland and natural green belt, it's a very relevant topic. So first of all, I should congratulate all those who have decided to take up this subject. It is not of a very, it is not only a purely technical टेक्निकल इम्पॉर्टेंट, बट अभी हमारी एक बहन ने कितना अच्छा बोला कि कोई नहीं रहेगा इसके बाद में, आपके पास ये बिल्डिंगें रहेंगी, सड़कें रहेंगी, फिर कुछ नहीं रहेगा. इन करोड़ों हाथों को और मुंह को भोजन कौन देगा? क्या हम बिल्डिंग बना के, फैक्ट्री बना के, सड़कें बना के उन जमीन को ख़त्म कर देंगे जो प्रकृति ने करोड़ों सालों में बनाया था? जब आग का गोला थी ये धरती, ठंडी हुई, लावा बना, लावा सतह पे आया, फिर धरती ने अरबों साल लिए, करोड़ों साल लिए, धूप, पानी, हवा, तापमान, इसका उपयोग करके उसने हमारे लिए मिट्टी बनाई, वो मिट्टी की परत चढ़ाई, उस मिट्टी पे जीव पैदा किए, जीव जंतु पैदा किए, हम भी आए, और उन्होंने हम सबको पोसा, पाला, हमारी सभ्यता भी वहीं बढ़ी जहां पानी भी था और अच्छी जमीन थी हमारे लिए खेती करने के लिए. अब क्या हुआ कि अचानक हमारी पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन हो गया पिछले 50 साल में विशेष तौर पे जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ, और हमारे देश में ज़्यादा हुआ
साउथ एशिया में और हमारे देश में और कुछ और हिस्सों में, अपेक्षाकृत कुछ और अन्य देशों के जहां विकास अधिक हुआ है। इतनी बड़ी मात्रा में, जैसा अभी पहले वाले वक्ता ने बोला, हर किसी को एक मकान की आवश्यकता है। शासन ने भी आइडेंटिफाई किया है कि करोड़ों लोग अभी मकान विहीन हैं। 5 करोड़ मकान अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक बनाने का सपना देखा है और कार्यक्रम बनाया है। ये तो सब सरकारी प्रयास हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप जिस शहर में जाएंगे, जिस टाउन में जाएंगे, जिस गांव में जाएंगे, आप लोग सब ट्रेवल करते होंगे, ऐसा लगता है कि निर्माण कार्य का विस्फोट हो गया है। सब जगह सामग्रियां उपलब्ध हैं, सीमेंट, लोहा और निर्माण सामग्री जो भी होती है, लोहा, सीमेंट, गिट्टी विट्टी सब अवेलेबल है, और लोगों के पास पैसा भी आ रहा है। तो बेतहाशा आप देखिए कि जितनी भी फार्म लैंड है, सबसे पहली विक्टिम वही है। आप फिर से नोटिस करिए, ट्रेन से जा रहे हों, बस से जा रहे हों, जहाँ भी जाएंगे, सबसे पहला वल्नरेबल है तो वो फार्म लैंड है हमारी। किसी ने कभी इस पे विचार भी नहीं किया कि जो हमें रोटी पानी देगी, हमारी आने वाली, हमारी पुरानी जनरेशन ने हमको ये उपहार के स्वरूप दिया है। जैसा मैंने बताया आपको, इस प्रकृति ने करोड़ों साल लिए। कहते हैं 1 इंच जमीन को बनाने के, मिट्टी को कन्वर्ट करने के लिए 1500 साल लगते हैं, चट्टान से उसमें एक लेयर को कन्वर्ट करने के लिए, और कुछ समय के बाद उसका कन्वर्शन रुक भी जाता है क्योंकि एक डेप्थ के बाद उसका पेनिट्रेशन नहीं हो पाता। और ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसकी हम बड़ी छाती फुला के बोलते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी ब्लैक कॉटन सॉइल है, वर्ल्ड की बेस्ट ब्लैक कॉटन सॉइल है, वो तो और भी समय लेती है बनने में, और उसको इतनी निर्दयता से हम उसको ख़त्म होते देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम अपने अस्तित्व को, खतरे को पहचान भी नहीं रहे हैं, और इतने नशे में चूर हैं, विकास दर चाहिए और इंडस्ट्री चाहिए और ये चाहिए, वो सबको मकान चाहिए, ऐसे नशे में चूर हो गए हैं कि मंडीदीप जाइए आप, मंडीदीप के अगल बगल की जो ज़मीन है, द बेस्ट सॉइल इन द वर्ल्ड, भोजपुर का तालाब, ओबेदुल्लागंज की तरफ की ज़मीन जाइए, देखिए कितनी बेहद हमारी वो है, हमको विरासत में मिली हुई प्रकृति ने कितनी बेहतरीन ज़मीन दी है। क्या वो ज़मीन फैक्ट्रियों के लिए है? क्या हम राजगढ़ के तरफ जो बहुत सारी हमारे पास बंजर ज़मीन है, सूखी है, ऐसी पड़ी हुई है, कई दिशाओं में आप जाइए, क्या वहाँ हम शिफ्ट नहीं हो सकते थे? क्यों हम उधर गए इंडस्ट्री लगाने? किसी ने रोका क्यों नहीं? किसी ने सोचा क्यों नहीं? किसी ने दर्द भी क्यों नहीं महसूस किया? सब मूक दर्शक हैं। हम अपना ही विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। इस आने वाली जनरेशन हमको माफ़ नहीं करेगी। हम जो आज मज़े ले रहे हैं, हमारी जनरेशन आने वाली पीढ़ी का हक छीन के ले रहे हैं। हम उस उनके कंफर्ट जोन के, इनके सर्वाइवल के जो वो है, उसको हम नष्ट कर रहे हैं। बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है, बहुत ही भावुक है, बहुत ही नेशनल थीम का है। एक्चुअली इस पे तो बड़ी ज़बरदस्त बहस छिड़ना चाहिए, पूरे देश में छिड़ना चाहिए बहस। जब जंगलों को बचाने के लिए कानून आ सकता है, तो क्या हम अपनी उस अन्नदाता की उस ज़मीन को एक बार में हम खरीद तो लेते हैं, वो भी जेब में पैसे रख के गाड़ियाँ खरीद लेता है, खुश हो जाता है, आपको लगता है कि आपने न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया है, फिर उसके बाद उसको कठिनाई हो जाती है क्योंकि वो कहीं काम नहीं कर सकता, गाड़ियां घोड़े खरीद के मकान वकान बना लेता है, अपने बीवी बच्चों को कहीं शहर में मकान बना कर दे देता है, और ज़मीन बेच के, और एक इंडस्ट्रीज उसकी ज़मीन को लेके, या कोई डेवलपर उसकी ज़मीन को लेके उस पर वो बनाता है। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, सतत प्रक्रिया चल रही है, ये बड़ी डेंजरस है। इसको भी बहुत ही विचार का विषय है, और ये यही एक माध्यम है। आप लोगों ने जो सोचा है, हमारे बड़िंग इंजीनियर्स हैं, इनको भी, इनके भी दिमाग में आना चाहिए कि जिस तरह से उनको ये अच्छी दुनिया मिली है, वो भी अपनी आने वाले बच्चों को अच्छी दुनिया दे के जाएं। मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारा लाभ है वर्टिकल जाने में। हम जैसे कृषि भूमि को बचाते हैं, उसमें मुझे लगता है हम हरियाली को भी बचाते हैं, जो हरियाली अगल बगल में रहती है, पेड़ पौधों वाली,
और एक मैंने अभी स्टडी कराई है, मैं अभी प्लानिंग कमीशन के लिए मुझे कागज़ देना था, मुझे अभी चल रही है, हर डिपार्टमेंट की बैठक चल रही है, टेक्निकल एजुकेशन की भी होगी, बीसी साहब को मालूम होगा, उसमें मैंने को एक उनको दस्तावेज़ देना था हाउसिंग के लिए, तो फिर मैंने उनको कंपेयर करके चार्ट बनाए। एक्चुअली अभी जस्ट दे के ही किसी को आया हूँ मैं, थोड़ी देर पहले एक चार्ट बनाया हमने कि किसी भवन को हम जब सिंगल स्टोरी बनाएंगे तो लागत क्या आएगी, उसको 2 मंजिल 3 मंजिल बनाएंगे तो क्या लागत आएगी स्टिल्ट के साथ में, और उसके बाद में उसको और बहुमंजिला बनाएंगे तो क्या लागत आएगी, और हमने उसको बिल्कुल वास्तविक कैलकुलेट किया है, लोहे की गणना करके पूरा डिज़ाइन ड्राइंग कंप्लीट पूरा पैकेज बना के दिया है, सो दैट गवर्नमेंट कैन टेक ए कॉन्शियस डिसीजन कि शुड बी गोइंग फॉर इंडिविजुअल हाउसेस फॉर द गवर्नमेंट स्कीम और शुड बी गोइंग फॉर द वर्टिकल। हमने उसमें बताया है उसमें कि देखिए कॉस्ट में कमी आ रही है, और कॉस्ट में भी कमी आ रही है, और वो लैंड की, तो चूंकि हम गवर्नमेंट में लैंड का वो नहीं करते हैं मूल्यांकन, क्योंकि वो लैंड गवर्नमेंट की लैंड रहती है, तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी ओनली बिल्डिंग पार्ट, तो इसमें नॉट ओनली कमी आ रही है, हमने उसमें देखा कि उसमें सामग्री का उपयोग भी कम हो रहा है, लोहा सीमेंट, तो हम उसको ग्रीनर कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब ये शायद मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, सबको मालूम होगी ये बातें, लेकिन एक अभी हमने सहज में इसको वो किया था प्लानिंग कमीशन को देने के लिए, तो एक उसमें मैंने देखा कि ये मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन इस तरह से भी अच्छा है। एक और बात, मैं कुछ समय के लिए प्लेटिनम प्लाजा में था, मैं जब मकान नहीं मिला था मेरे को गवर्नमेंट का, मैंने देखा कि जो हमारी जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं उनमें जो भाईचारा पनपता है, जो कम्युनिटी फीलिंग डेवलप होती है हमारी, बच्चों के साथ बहुत सारे एज ग्रुप के लोग रहते हैं, और जो हमारे बड़े शहरों में सूखापन आ जाता है, जब हम लोग किसी कॉलोनी में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल ऐसा व्यवहार हो जाता है कि बस सिलेक्टेड लोगों से बात करेंगे या ना भी करें, ऐसा एक जब हम अपने अपने बंगले में रहते हैं तो। पर जब मल्टी उसमें जाते हैं आप, तो आपको सब लोग नीचे उतर के 30 त्योहारों में और होली में दिवाली में बच्चे कच्चे खेल कूद सब चलता रहता है, इट्स अपने आप कैसे डेवलप हो जाता है पता नहीं चलता, देन बच्चे आपका कारण बन जाते हैं, दादी आ रही है नानी आ रही है बच्चों को दिखा रही है, आपस में सब लोग मिल रहे हैं, देख कम्युनिटी फीलिंग डेवलप होती है, सिक्योरिटी एक अच्छा लगता है, जो कि अगर हॉरिजेंटल डेवलपमेंट होता है तो उसमें नहीं होता है ये काम, तो ये एक बड़ा डिस्टिंक्ट एडवांटेज है अपने सोसाइटी में। और दूसरा वो जो मैं ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट शायद इस पेपर में भी दिया हुआ है, वर्टिकल जाने से हमें कई फायदे और भी हैं, जैसे हवा आपकी ठंडक मिलेगी, आपको अच्छी हवा मिलेगी, वेंटिलेशन होगा, एयर कंडीशनिंग की नीड कम हो जाएगी, आपका नेचुरल लाइट ज़्यादा आएगा आपको, आपका जो सीवेज का ट्रीटमेंट है वो सीवेज का ट्रीटमेंट कॉम्पैक्ट होगा, एक जगह होगा और उसको हम लोग आसानी से हैंडल कर पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे, वाटर सप्लाई को भी ऐसे ही है, तो ये सब एडवांटेजेस हैं। पार्किंग की नीड आपकी कम हो जाएगी, पार्किंग आप अंडरनीथ कर सकते हैं, एक सिक्योरिटी भी एक बात होती है, आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है आजकल, आप अगर वर्टिकल रहेंगे, जिसे इसमें लिखा है एंडोर्समेंट टू वर्टिकल हाउसिंग, अगर आप वर्टिकल जाएंगे तो आपकी सिक्योरिटी का भी एक चिंतन जो है वो आप पाएंगे कि आप अच्छी तरह से आप अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं, कम्युनिटी की सिक्योरिटी कर सकते हैं, कंट्रोल एंट्री रख सकते हैं आसानी से, ज़्यादा एफिशिएंटली। दूसरी बात एक और देखिए, आप जो वर्टिकल आप गए तो आपने जमीन कम जमीन में ज़्यादा लोगों को बसाया, और अगर नहीं तो एक काम तो जरूर हुआ कि ज़्यादा ज़मीन ओपन छोड़ी आपने, ज़्यादा ज़मीन जब अगल बगल में ओपन छोड़ी तो बच्चों के खेलने कूदने के लिए और हमारे पार्क में जाने के लिए हमको आसानी से ये ज़मीन बचाई आपने। एक बार ज़मीन निर्मित, उसमें कोई बिल्डिंग निर्मित हो गई, फिर देन यू कैन नॉट अनडू इट, वो तो फिर जब आपकी सभ्यता ख़त्म होगी और फिर से रीडूइंग होगी, प्रकृति जब कुछ और करेगी तभी आपको बनेगा, एक बार आपने कुछ बना दिया तो बन गया वहाँ पे। तो वो पार्किंग के लिए, पार्क के लिए, बच्चों के खेलकूद के लिए, सबके लिए, जो अगर अच्छा वातावरण आपको निर्मित करना है तो वर्टिकल जाइए और अगल बगल में ही ज़मीन खुला रखिए,
कोई भी माँ अपने बच्चे को अपनी नज़र के सामने जब तक वो 15-10 साल का नहीं हो जाता, तब तक वो 10-12 साल का नहीं हो जाता, तब तक अपनी घर के सामने ही खेलते हुए देखना चाहती है। कोई नहीं कहेगा कि तुम जाओ ऐसा करो, 6 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी से चले जाओ। जाएगा कैसे, ले जाएगा कौन, लाएगा कौन, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, गिर पड़ जाएगा, कौन देखेगा उसको। तो ये तभी संभव है जब हमारे वर्टिकल हाउसेस रहें और उनके बीच में छोटे छोटे मैदान बच्चों के खेलने के लिए रहें और बच्चे उनकी नज़रों के सामने खेलते रहें, थोड़ी देर में आ जाएं, चले जाएं, तो एक अच्छी एहसास होता है, जीवन का एक अच्छा एहसास होता है। हमने हरियाली बचाई, खेत बचाए, हमने अपने आप को भी बचाया, अपने आप को भी सुधारा। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा विषय है। और हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की नीड भी कम हो गई, अननेसरी छोटी छोटी बातों के लिए जब आपने जगह ओपन छोड़ी तो अस्पताल स्कूल के लिए आपने जगह बचा के रखी, वहाँ पे अपने कम्युनिटी के लिए लाइब्रेरी के लिए जगह बचा के रखी, तो आपका कम्यूटिंग, लॉन्ग कम्यूटिंग भी बच जाएगा। आपका जो पैसा एक्सपोर्ट होता है अपना पेट्रोल डीजल में इम्पोर्ट करने में, वो बचेगा आपका, एफिशिएंसी आएगी, समय भी बचेगा आपका, समय आप अच्छे से उपयोग कर पाएंगे उसका। जब आप वर्टिकल रहेंगे तो ज़्यादा लोग एक ही जगह पर रहेंगे। मेरे को लगता है न्यूमरस एडवांटेजेस हैं, और ख़ास तौर से अब जब हमारी जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमको इस बात पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और चीज़ हमने महसूस करी है कि ग्रीन जो बिल्डिंग, ग्रीन बेल्ट है, हमारा ग्रीन बेल्ट के प्रति भी रुझान बदलना होगा। हम जब प्लानिंग करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इंटरवीन करता हूँ अपने आर्किटेक्ट के साथ में। एक किसी आर्किटेक्ट ने मेरे से कहा भी, दिल्ली के बहुत बड़े फेमस आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने कहा कि साहब, आई हैव बीन वर्किंग विद सो मेनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑल ओवर इंडिया, बट आई हैव नेवर सीन सो मच ऑफ इंटरवेंशन एवर बाई एनी बडी ऑफ योर रैंक एंड योर डिपार्टमेंट सो मच। द सिंपल रीज़न ये था, उनको हमने कोई आर्किटेक्ट कोई जब प्लानिंग करता है ना, तो उसको बताना होगा आपको कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। आपको बोलना होगा कि हमारे को ये खेलकूद का मैदान दीजिए, हमें ये ग्रीन बेल्ट बचाइए, हमारा हमारे ये करिए, वो करिए। अदरवाइज उनके लिए तो क्या है, लाइन ही तो खींचना है, फट 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 बन गया, दोबारा डिज़ाइन करने का और लफड़ा होगा, इधर उधर कहीं के टोप टाप के भी ला देते हैं वो लोग, कई जगह की बना रेप्लीकेट करते हैं। तो ये भी हमारा, हम प्लानिंग गवर्नमेंट लेवल पे जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है। और इवन आप जो बिल्डर्स लोग रहते हैं, उनको भी चाहिए इस चीज़ का ध्यान देना कि उसके थोड़े से कष्ट को बचाने के लिए डिज़ाइनर के, आर्किटेक्ट के अटमोस्ट कोशिश होना चाहिए, हर ट्री को हम बचा सकें, हर ग्रीनरी को हम बचा सकें, जैसी हालत में हो वैसे ही। और ये थोड़ी सी डिज़ाइनों में चेंज करके, तो ये बहुमंजिला इमारतों को मेरे को लगता है बनाते समय ये भी ध्यान रखते हुए, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और मैं इस टॉपिक सबको धन्यवाद देता हूँ, और मुझे बुलाए जाने पर भी मैं धन्यवाद देता हूँ सबको। और आरजीपीवी के प्रबंधन को, वीसी साहब को भी, कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम अपने यहाँ पे रखा है, और इसके लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से, धन्यवाद।